हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंटेंट को जाने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टेक टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का वेरिएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम BST भी बोलते हैं। अभी आपको ये डायग्राम पता होगा, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अगर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स देखे जाए तो वो होते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें से हम फोकस करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल होते हैं ट्री एंड ग्राफ। यहाँ पे मैंने डिटेल में फिर से दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में से हम फोकस करने वाले हैं नॉन लीनियर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और उसमें से हम क्या देखने वाले हैं? ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये जो बाकी चीजें हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीजें मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके शॉर्टकट लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी मेरे पास अवेलेबल है। तो चलो देखते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आई सेड अनलाइक, व्हाट अनलाइक? जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू की तरह ये नहीं है, ये कोई डिफरेंट है, विच इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, दे आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट ट्रीज आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? तो ट्री रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड बाय द एजेस। द कनेक्शन बिटवीन नोड्स एंड एजेस जो कि ट्री रिप्रेजेंट करता है। और ट्री को हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि डेटा स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है। सो ट्री आपको पता ही है स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एरे जैसा नहीं है, लिंक लिस्ट जैसा नहीं है, स्टैक और क्यू जैसा नहीं है, ये नॉन लीनियर इन नेचर है, और जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट नोड्स बाय द एजेस। ये सारी चीजें कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर ये स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है। तो चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री हम देखते हैं, बाइनरी सर्च ट्री कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाइनरी सर्च ट्री एग्जिबिट्स अ स्पेशल बिहेवियर। कुछ तो भी स्पेशल उसमें होता है, वो क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जो कि नोड होता है उसका लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव अ वैल्यू लेस देन इट्स पेरेंट्स नोड और पेरेंट्स वैल्यू। जहां तक कि ट्री का सवाल है, अगर आपको जनरल ट्री का कंसेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि ट्री को एक पेरेंट नोड होता है और उसके चाइल्ड नोड होते हैं। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसका भी शॉर्टकट लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बाइनरी सर्च ट्री की, वो क्या होती है? एवरी नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो उसके पेरेंट नोड की वैल्यू से कम होती है, मस्ट बी लेस। और वाइस वर्सा, जो उसका उस पेरेंट नोड का राइट चाइल्ड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, नोड की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू ग्रेटर देन इट्स पेरेंट नोड होती है। ओके, तो यहाँ पे आपके क्या ध्यान में रखना है? लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है पेरेंट नोड से, राइट चाइल्ड की जो वैल्यू होती है वो पेरेंट नोड से ग्रेटर होती है। आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका पेरेंट नोड और ये है इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये हो गया इसका राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है आप देख सकते हो, पेरेंट नोड की वैल्यू है 27, उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू है 14, विच इज लेस देन अ
वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड और उसकी जो राइट चाइल्ड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन पेरेंट नोड है। अगर ये वाला सब ट्री हम कंसिडर करते हैं तो ये हो गया 14, उसका पेरेंट नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड है 10, जिसकी वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से दैट इज 14 से लेस है, और 19 जो कि वैल्यू है उसके पेरेंट नोड से बड़ी है। सेम यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो जहां तक कि 35 एज अ पेरेंट नोड का सवाल है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम देखते हैं उस पर ऑपरेशंस हम कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री, तो सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है क्रिएट। दूसरा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है इंसर्ट, दैट इज इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। अभी यहाँ पे जो होता है वाइल इंसर्शन ऑफ अ नोड, हमें वो प्रॉपर्टी जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देखी बाइनरी सर्च ट्री की, जो कि लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट नोड इज हैविंग वैल्यू लेस देन अ पेरेंट नोड और राइट चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन अ पेरेंट नोड वैल्यू, वो हमें यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हम जैसे इंसर्ट कर सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन और एनी पर्टिकुलर नोड, वैसे ही हम डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द नोड। और उसके बाद हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले जो होता है उसका मतलब है ट्रैवर्सल, राइट। हम बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, जो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होते हैं, वो भी हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, एज वेल एज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑर्डरिंग दैट इज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसका भी मैं शॉर्टकट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रही हूँ। अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस। वैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर लिए है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। क्रिएट में क्या करते हैं हम, इंसर्शन ऑफ अ रूट नोड विच विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री। इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ ट्री, तो वो नोड इंसर्ट करने में आपकी मदद करता है। सर्च आपके लिए क्या हेल्प करेगा, सर्च ऑपरेशन आपके लिए एनी पर्टिकुलर नोड सर्च करने के लिए आपको हेल्प करेगा। डिलीट पर्टिकुलर नोड डिलीट करेगा, और डिस्प्ले ऑपरेशन क्या करेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर में वो डिस्प्ले करेगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन टू अ बाइनरी सर्च ट्री अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बाइनरी सर्च ट्री ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से हम अभी फोकस कर रहे हैं क्रिएट ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट ऑपरेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिएट ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन हेल्प्स अस टू क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री। ये ऑपरेशन हमें बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करने के लिए मदद करता है। तो जैसे ही हम पहला नोड इंसर्ट करते हैं, द पहला नोड विल हेल्प यू टू क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री। इट क्रिएट्स द बाइनरी सर्च ट्री, द वेरी फर्स्ट इंसर्शन, राइट। द फर्स्ट नोड दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट, उससे ही बाइनरी ट्री बनता है। तो हालांकि जैसे कि बाइनरी ट्री बन जाता है, उसी फर्स्ट नोड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रूट नोड बोलते हैं, रूट नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे मैं आपको उसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट नोड एंड ट्रीट एज अ रूट नोड। तो ये हो गया आपका एक नोड बना के और उसको हमने रूट नोड ट्रीट करना है। अभी हमें फोकस करना है दूसरा ऑपरेशन, क्रिएट तो हो गया, अभी हम इंसर्ट ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। जहां तक कि इंसर्शन का सवाल है, हम वन बाय वन नोड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन जो होता है, यूजुअली क्रिएशन ऑफ अ रूट नोड और क्रिएशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन क्या हमें मदद करेगा, टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर नोड एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। जैसे कि हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है बाइनरी सर्च ट्री की, जो लेफ्ट चाइल्ड होता है पेरेंट नोड का, उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से लेस होती है,
और जो रेड चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें हमेशा ध्यान में रखनी है और उसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए हमें जो कि नोड इंसर्ट करना है उसकी प्रॉपर लोकेशन, उसकी प्रॉपर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, लोकेट करनी होती है, और उसी प्रॉपर पोजीशन पे हमें नया नोड इंसर्ट करना होता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है। रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयर रूट नोड विद इंसर्ट की, जो कि इंसर्ट नोड हम करने वाले हैं उसका जो की वैल्यू होता है वो की वैल्यू हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे, रूट नोड की वैल्यू से। अगर रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर करने के बाद जो की वैल्यू है वो अगर लेस देन रूट नोड है तो हमें कहाँ पे जाना है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट सबट्री पे फोकस करना है, और लेफ्ट सबट्री में फोकस करने के बाद हमें उसकी प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सर्च फॉर अ प्रॉपर पोजीशन इन अ लेफ्ट सबट्री ओनली, राइट। और अगर ये जो है ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, मतलब कि की वैल्यू रूट नोड से लेस नहीं है, इसका मतलब कि वो ग्रेटर है, एल्स की इज ग्रेटर देन अ रूट नोड, हमें कहाँ पे जाना है, हमें राइट सबट्री में जाना है, और हमें राइट सबट्री में प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर पोजीशन हमें सर्च करनी है। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। हमें ये स्टेप्स रिपीट करनी है टिल वील गेट द प्रॉपर लोकेशन ऑफ एवरी इंसर्शन की। अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमें आइदर इन अ लेफ्ट सबट्री वर्क करना है और इन अ राइट सबट्री वर्क करना है। अगर की नोड की वैल्यू लेस देन अ रूट नोड होती है और अ पेरेंट नोड होती है, रूट नोड हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम रूट नोड से स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी फर्स्ट पेरेंट नोड इज अ रूट नोड, इसीलिए हम यहाँ पे रूट बोल रहे हैं। तो अगर लेस होती है की वैल्यू, की जो हमें इंसर्ट करनी है उसकी वैल्यू अगर रूट नोड की वैल्यू से लेस होती है तो हमें सिर्फ लेफ्ट सबट्री पे फोकस करना है, और अगर ग्रेटर होती है तो हमें राइट सबट्री के फोकस करना है। एट ए टाइम हम कौन सा तो भी एक ट्री, सब ट्री, अदर लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री पे फोकस करने वाले हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी मतलब टू। तो ये जो ट्री होता है वो टू सब ट्री में डिवाइड किया जाता है आफ्टर अ पेरेंट नोड, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, इसीलिए इसको हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। ये ऑल डिटेल मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हम ओनली बाइनरी सब ट्री पे, सॉरी लेफ्ट सब ट्री पे आइदर फोकस करने वाले हैं या राइट सब ट्री पे, टू सर्च आउट अ प्रॉपर पोजिशन ऑफ एवरी इंसर्शन की, इंसर्शन ऑपरेशन पे। तो ये प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन हमें कब करना होता है, आफ्टर क्रिएशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, पहले हमें क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम वन बाय वन नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्शन के लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। तो प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक अल्गोरिदम है जो कि हमें एक्सप्लेन करेगा कि हम प्रॉपर पोजीशन ऑफ एवरी नोड जो कि हमें इंसर्ट करनी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा हमें रूट नोड से ही स्टार्ट करना होता है। रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो सर्च की, सॉरी इंसर्शन की है हमारी, वो हमें रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर करनी है। अगर हमारी की वैल्यू जो है वो लेस देन रूट नोड है तो हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है और लेफ्ट सब ट्री में हमें प्रॉपर पोजिशन सर्च करनी है। और अगर हमारी की वैल्यू जो है वो लेस देन रूट नोड नहीं है, इसका मतलब वाइस वर्सा वो ग्रेटर देन रूट नोड है, तो हमें राइट सबट्री में जाना है और वहां पे हमें प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था जो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अगर की वैल्यू लेस देन है हमारी रूट नोड से तो हमारा प्रॉपर्टी बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बोलता है कि वो हमें लेफ्ट सबट्री में डालना है, और अगर ग्रेटर है तो वो हमें राइट सबट्री में डालना है, क्योंकि एवरी टाइम पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड हमेशा पेरेंट नोड से छोटा होता है
और राइट चाइल्ड हमेशा पैरेंट नोड से बड़ा होता है। यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये जो 6 स्टेप्स है वो हमें रिपीटेडली फॉलो करनी है फॉर इंसर्शन ऑफ एवरी की। ओके, अभी हम सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने इंसर्ट किया था फर्स्ट नोड जो कि हमें हेल्प करता है क्रिएशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो मान लो कि हमारा ये ट्री क्रिएट हो चुका है बाय इंसर्शन ऑफ अ फर्स्ट नोड, और वो फर्स्ट नोड हमेशा हम रूट नोड कह के ट्रीट करते हैं। अभी हमें की अगर फॉर एग्जाम्पल 25, हमारी इंसर्शन की जो है वो 25 है वो, और वो हमें इंसर्ट करनी है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर इंसर्शन की विथ अ रूट नोड। कंपेयर करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, की इज लेस देन अ रूट नोड। ओके, की वैल्यू क्या है 25, रूट की वैल्यू क्या है 56, तो ऑब्वियसली की वैल्यू जो है वो लेस देन अ वैल्यू ऑफ अ रूट नोड है। टू फाइंड आउट अ प्रॉपर पोजिशन इन विच सब ट्री, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। तो कौन सी सब ट्री में हमें जाना है, प्रॉपर पोजिशन सर्च करनी है इन अ लेफ्ट सब ट्री, राइट। तो लेफ्ट चाइल्ड हमें देखना है, 56 को लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट सब ट्री है नहीं है, तो वही उसका प्रॉपर पोजिशन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इंसर्ट की नोड एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ रूट नोड। तो ये हमने लेफ्ट चाइल्ड करके हमें इंसर्ट कर लिया, क्योंकि 56 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट था ही नहीं, तो वही उसकी प्रॉपर पोजिशन हो जाती है। अभी नेक्स्ट इंसर्शन की है 65। सबसे पहले हमें फिर से कंपेयर करना है रूट नोड की वैल्यू से। रूट नोड की वैल्यू को कंपेयर करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 56 इज कंपेयर्ड विथ की वैल्यू 65, तो रिजल्ट क्या होता है, की इज अ ग्रेटर देन अ रूट नोड। की वैल्यू जो है वो रूट नोड से ग्रेटर है, तो उसकी प्रॉपर पोजिशन हमें फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इंसर्ट हमें वो नोड करना है। तो प्रॉपर पोजिशन कौन सी होगी अगर ग्रेटर है तो, यस राइट, दैट विल बी द राइट सब ट्री। तो हमें चेक करना है क्या यहाँ पे राइट चाइल्ड अवेलेबल है राइट सब ट्री को मूव होने के लिए, नहीं, नो राइट चाइल्ड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई यही हो गया उसका प्रॉपर पोजीशन। मतलब कि 65 जो होगा वो राइट चाइल्ड 56 का राइट चाइल्ड अटैच हो जाएगा और वही उसकी प्रॉपर पोजीशन होगी। अभी फिर से हमें थोड़ा सा और एक नोड देखते हैं कि नोड अगर हमें 36 इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली स्टेप तो हमें पता है, कंपेयर करना है हमारे रूट नोड से। 36 और 56 दोनों कंपेयर हो चुके हैं। कंपेयर के बाद हमारा रिजल्ट क्या होता है, 36 जो है वो की रूट नोड से लेस है, छोटा है, तो हमें कहाँ पे उसकी प्रॉपर पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, उसके लेफ्ट सब ट्री में। अभी लेफ्ट सब ट्री में ढूंढने के लिए 56 को सबसे पहले चेक करना है कि लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है। तो अभी अगर वो अवेलेबल है तो हमें स्टेप डाउन करना है उसके लेफ्ट चाइल्ड को, लेफ्ट चाइल्ड इज प्रेजेंट दैट्स व्हाई मेक 25 एज अ रूट नोड। हमें स्टेप डाउन करना है 25 पे और 25 को अभी हमें रूट नोड बनाना है। 25 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से हमें यही स्टेप एग्जीक्यूट करनी है, कंपैरिजन एंड चेक फॉर अ प्रॉपर पोजीशन एंड टेक अ प्रॉपर डिसीजन। तो सब फिर से हमें स्टेप 1 एग्जीक्यूट करना है। 25 से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि 36 जो है वो 25 से ग्रेटर है, तो राइट सब ट्री में हमें प्रॉपर पोजीशन देखनी है, पर राइट सब ट्री अवेलेबल है ही नहीं, राइट चाइल्ड अवेलेबल है ही नहीं, तो हमारी जो इंसर्शन की है वही राइट चाइल्ड करके अटैच हो जाएगी हमारे करंट रूट नोड को, यानी कि 25 को। तो ये हो गया इंसर्शन ऑफ 36। यहाँ पे अब आपको हर एक इंसर्शन के बाद चेक करना है कि जो ट्री आपका क्रिएट हो चुका है हर एक इंसर्शन के बाद वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं, मतलब कि आप कहीं रॉन्ग तो नहीं जा रहे हो, ये आपको चेक करना है। तो ये देखो 56 उसका लेफ्ट चाइल्ड है, उससे लेस देन 56 है, और उसका राइट चाइल्ड ग्रेटर देन 56 है। अगर 25 को हम रूट नोड बनाते हैं तो उसको लेफ्ट चाइल्ड अभी तक तो है नहीं, और उसका अगर राइट चाइल्ड देखा जाए तो वो उससे ग्रेटर है। अगर 56 रूट नोड हम कंसिडर कर रहे हैं तो ऑल जो नोड्स अवेलेबल है उसके लेफ्ट सब ट्री में वो उससे छोटे होने चाहिए, तो 25 और 36 दोनों 56 से छोटे हैं और उसके राइट सब ट्री के सभी नोड उससे बड़े होने चाहिए। तो फिलहाल तो 65 एक ही नोड है तो वो उससे बड़ा है।
अभी फिर से ये ट्री कंसिडर करके अगर हमें और एक नोड इंसर्ट करना है वो है 86, तो सबसे पहले आप एक ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको इंसर्ट करना आता है या नहीं. अगर आप इंसर्ट कर सकते हो तो इसका मतलब आपको बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट और इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री का भी कंसेप्ट आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुका है. तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपको समझ में आया है या नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो सबसे पहले कंपैरिजन से हम स्टार्ट करेंगे. की वैल्यू जो है वो रूट नोड से कंपेयर की जाएगी तो वो ग्रेटर है. इसके लिए हमें राइट सब ट्री में उसकी प्रॉपर पोजिशन सर्च करनी है. अभी राइट सब ट्री में सर्च करनी है मतलब कि हमें स्टेप डाउन हो जाना है और 65 को हमें रूट नोड बना लेना है. 65 राइट चाइल्ड अवेलेबल है इसलिए हम स्टेप डाउन हो गए और 65 से कंपेयर कर रहे हैं. अभी 65 से 86 कंपेयर करने के बाद फिर से आप देख सकते हो कि 86 जो है वो 65 करंट रूट नोड से ग्रेटर है, इसलिए फिर से हमें राइट सब ट्री को मूव होना है. पर यहाँ पे राइट सब ट्री अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है 65 का राइट चाइल्ड ही हमें 86 एज अटैच कर लेना है. तो इसीलिए 65 का राइट चाइल्ड हम 86 को बना रहे हैं और ये हो गया इंसर्शन ऑफ 86 इनटू द बाइनरी सर्च ट्री. अभी फिर से हमें 72 इंसर्ट करना है. 72 अगर इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, फिर सबसे पहले 56 से कंपेयर करना है. 72 56 से ग्रेटर है इसलिए हमें 65 को मूव होना है, उसको रूट नोड बना के 65 के साथ कंपेयर करना है. 65 से भी हमारा की वैल्यू ग्रेटर है इसलिए हमें अगेन राइट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करना है. राइट चाइल्ड है तो करंट रूट नोड हमें राइट चाइल्ड को बना लेना है, दैट इज 86. 86 के कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि 72 जो वैल्यू है वो 86 से लेस है. अगर लेस है तो हमें लेफ्ट सब ट्री पे फोकस करना है. पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि यही उसकी प्रॉपर पोजीशन है और हमें 72 एज अ लेफ्ट चाइल्ड अटैच कर लेना है. अब तक आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि स्टेप डाउन करते करते अगर हमें आइदर लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करना होगा और लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन बन जाता है और उसी प्रॉपर पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना होता है. तो हमें कहाँ तक स्टेप डाउन होना है, जब तक कि अगर लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करना है और लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन हो जाता है, और अगर राइट सब ट्री में इंसर्ट करना है और एनी रूट नोड का करंट रूट नोड का राइट चाइल्ड अगर नल है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन हो जाता है. अभी फिर से देखो, अगर मेंटेन करना है तो अभी मैंने जो लॉजिक बताया था वो फॉलो करो. रूट नोड से स्टार्ट करके रूट नोड से कंपेयर करके चेक करो कि कौन सी सब ट्री में जाना है. तो 19 अगर लेस है तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है. तो 56 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं वो हमें चेक करना है. लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन करके 25 को रूट नोड बना लेना है. अभी 25 को अगर हम रूट नोड बना रहे हैं तो 25 से कंपेयर करो. 25 से कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 19 25 से कम है तो हमें लेफ्ट सब ट्री में फोकस करना है. तो क्या लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है 25 को? नहीं, 25 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, वो नल है. करेंटली फिलहाल वो नल है तो हमें उसका प्रॉपर पोजीशन मिल गया है. तो 25 का लेफ्ट चाइल्ड 19 ऐसे हमें अटैच कर देना है और ये हो गया 19 इंसर्शन ऑफ अ नोड और की वैल्यू 19 इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री. फिर से अगर हमें न्यू नोड ऐड करना है 8, तो लेट स्टार्ट विथ अ रूट नोड. 56 का कंपेयर किया, लेस है और लेफ्ट सब ट्री भी उसका प्रेजेंट है तो स्टेप डाउन करके हमें 25 को रूट नोड बनाना है. 25 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से कंपेयर होगा 8 वैल्यू विथ 25, फिर से लेस है तो हमें फिर से चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं. लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है इसलिए 25 को का लेफ्ट चाइल्ड 19, उस पर मूव होके हमें 19 रूट नोड बना लेना है. अभी 8 हमें कंपेयर करना है करंट रूट नोड से 19 से. जैसे कि 8 लेस देन 19 है तो स्टेप डाउन होना है लेफ्ट सब ट्री पे, पर यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है ही नहीं, इसका मतलब कि 19 का लेफ्ट चाइल्ड नल है और अगर वो नल है तो वही उसका प्रॉपर
पोजीशन लोकेशन होता है और वो हमें एज अ लेफ्ट चाइल्ड अटैच कर लेना है. सो इसी तरह से हमें इंसर्शन करना है. अगर 22 है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 56 से कंपेयर होने के बाद 22 लेस है, तो स्टेप डाउन करके 25 को रूट नोड बना लिया. 25 से कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि लेस है, तो 19 एज अ लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है 25 को, तो मूव करके स्टेप डाउन होके 19 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से कंपेयर करने के बाद आपको पता चलता है कि 22 19 से ग्रेटर है, तो 19 के राइट सब ट्री को हमें मूव होना है. पर 19 का राइट सब ट्री नल है, राइट चाइल्ड है ही नहीं. इसका मतलब है कि यही उसका प्रॉपर पोजीशन है और 22 हमें राइट चाइल्ड करके अटैच कर लेना है. सर्च ऑपरेशन भी. सो यहाँ पे फ्रॉम दीज ऑपरेशंस हम सर्च ऑपरेशन पे फोकस करने वाले हैं. तो चलो देखते हैं सर्च ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री. तो सर्च ऑपरेशन क्या करता है? सर्च ऑपरेशन हमें हेल्प करता है कौन सी भी की सर्च करने में. जहां तक कि कंस्ट्रक्टेड बाइनरी सर्च ट्री का सवाल है, बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, उसके बाद ही हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अगर बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट ही नहीं है तो हम उसमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने के टाइम हम सर्चिंग रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें नेक्स्ट लेवल पे लेफ्ट सब ट्री में जाना है या राइट सब ट्री में जाना है. और उसके बाद अगर हम डिजायर्ड नोड पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्च इज सक्सेसफुल. अदरवाइज अगर हम रूट नोड पे है और उस रूट नोड सॉरी हम लीफ नोड पे है और उसके बाद कोई एलिमेंट अवेलेबल है ही नहीं जिसपे हम सर्च कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनसक्सेसफुल सर्च. ये दोनों सिचुएशन में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो चलो देखते हैं पहला एग्जाम्पल. तो ये सर्च ट्री हमारे पास कंस्ट्रक्टेड है. मान लो कि हमें 36 ये की वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है. तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? यस, हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है. तो चलो रूट नोड से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद रूट नोड से कंपेयर करने के बाद हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें लेफ्ट सब ट्री में मूव होना है या राइट सब ट्री में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36 जो है वो रूट नोड से वैल्यू में लेस है. इसका मतलब अगर रूट नोड से कम है तो इट मस्ट अपीयर इन अ लेफ्ट सब ट्री, राइट. तो हमें स्टेप डाउन करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, पर हमें कहाँ पे जाना है, लेफ्ट सब ट्री में जाना है. तो टेम्पररीली हमें 25 को रूट नोड बनाना है और फिर से हमें 36 करंट रूट नोड से कंपेयर करना है. अभी आप देख सकते हो कि जो की वैल्यू है 36 वो रूट नोड से ग्रेटर है. तो ग्रेटर है तो वो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है नेक्स्ट लेवल पे, पर राइट सब ट्री में. तो हमें यहाँ पे स्टेप डाउन होके 36 को यहाँ पे जाना है. अभी फिर से हमें ये करंट रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर करना है. जहां तक कि वो दोनों इक्वल है इसका मतलब है हमारा सर्च जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि हमें डिजायर्ड वैल्यू मिल गई है, सर्च हो गई है. अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सेम ट्री है पर की वैल्यू हम यहाँ पे इस बार ले रहे हैं 20. तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम कंपेयर किया था, रूट नोड से स्टार्ट किया था, वैसे ही हम करेंगे, कंपेयर करेंगे रूट नोड से. अभी रूट नोड की वैल्यू जो है वो हमारी सर्च की से ग्रेटर है. अदरवाइज हम यहाँ से सर्च यहाँ पे कंपेयर करेंगे, की वैल्यू जो है वो रूट नोड से लेसर है, तो हमें लेफ्ट सब ट्री में मूव होना है. तो हमें स्टेप डाउन करना है लेफ्ट सब ट्री को और हमें 25 करंट रूट नोड बनाना है. फिर से कंपेयर करते हैं की वैल्यू विद 25 करंट रूट नोड. फिर से 25 जो वैल्यू है वो करंट रूट नोड से लेसर है, तो फिर से हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है, स्टेप डाउन होना है और हमें 19 को रूट नोड बनाना है. अभी 19 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से हमें कंपेयर करना है जो की वैल्यू है 20 वो करंट रूट नोड से. तो 20 जो है करंट रूट नोड की वैल्यू 19 से ग्रेटर है, इसलिए हमें राइट सब ट्री को मूव होना है, स्टेप डाउन करना है और 22 को हमें रूट नोड बना लेना है. 22 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से हमें जो की वैल्यू है वो करंट रूट नोड के साथ कंपेयर करनी है. अभी कंपैरिजन करने के बाद आप ये देख सकते हो कि जो की वैल्यू है वो लेसर है देन अ करंट रूट नोड.
तो करंट नोड रोड से अगर ये लेसर है तो हमें कहाँ पे जाना है, लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है। सो हम लीफ नोड पे आ गए हैं जिसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है। इसका मतलब कि और कोई नोड जो 22 से छोटा है, लेसर है, वो इस ट्री में अवेलेबल नहीं है। और अगर अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल हुआ है और यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। तो इस तरह से हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। अभी ये सारे बेसिक ऑपरेशन से हम फोकस कर रहे हैं डिलीट ऑपरेशन पे। तो चलो देखते हैं डिलीट ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। सबसे पहले डिलीट ऑपरेशन करने के लिए हमें जो बाइनरी सर्च ट्री होता है वो आइदर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है या तो फिर कंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री में से हम डिलीट एक दूसरा नोड हम कर सकते हैं। अभी डिलीट करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, हमें रूट नोड से स्टार्ट करना होता है और हमें सर्चिंग ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्योंकि जो नोड डिलीट करना है, जो की डिलीट करनी है, उसको हमें सर्च करना है। तो अगर की सर्च होती है, मतलब की सक्सेसफुल सर्च होता है, डिलीट की अगर फाउंड होती है, तो वहां पे तीन केसेस हमें हैंडल करने पड़ते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द डिलीट ऑपरेशन। तो वो तीन केसेस में नेक्स्ट स्लाइड पे इन डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके एग्जाम्पल के साथ। अगर डिलीट की हमें फाउंड नहीं होती है तो जो सक्सेसफुल फाउंड नहीं है, इसीलिए मतलब कि वो की अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से केसेस हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं टू परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। तो सबसे पहला केस जो होता है वो क्या होता है, अगर जो नोड हमें डिलीट करना है वो लीफ नोड है, राइट। अगर वो लीफ नोड है तो हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। सेकेंड केस क्या होता है, अगर जो नोड डिलीट करना है उसको सिंगल चाइल्ड है, वो पेरेंट नोड है पर उसको सिंगल चाइल्ड है, राइट। अगर ये सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना है वो भी हमें देखना है। और थर्ड केस, अभी अगर आपको इफ यू आर स्मार्ट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट विल बी द थर्ड केस। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, हमें पेरेंट नोड डिलीट करना है पर उसके दोनों चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड। तो इस सिचुएशन हमें क्या करना है, राइट। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल, अभी ये एक एक केस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं कि अगर हमें लीफ नोड डिलीट करना है, मान लो ये कंस्ट्रक्टेड बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास है, अभी की वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं वो है 22 और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि है लीफ नोड, राइट। अभी लीफ नोड है तो इस नोड पे तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, राइट, इट इज अ लीफ नोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सर्चिंग करना होगा फ्रॉम अ रूट नोड, राइट। तो रूट नोड क्या है यहाँ पे 56, तो 56 कंपेयर किया ये कि सर्च की इक्वल टू नहीं है। उसके बाद क्या वो सर्च की 56 से लेस है, तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेके डिसाइड करेंगे कि हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है। लेफ्ट सब ट्री में क्या है 25 को कंपेयर किया, ये सर्च की है क्या, नहीं। तो 25 को फिर से हम कंपेयर करेंगे की वैल्यू से, की वैल्यू जो कि लेस है, फिर से हम लेफ्ट सब ट्री में जाके अभी 19 से कंपेयर करेंगे। अभी 19 से कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हो कि की वैल्यू 22 जो है वो 19 से ग्रेटर है। तो 19 से अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें राइट सबट्री को मूव होना है। तो चलो राइट सबट्री को मूव होते हैं। राइट सबट्री को मूव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों वैल्यू जो कि की नोड है और जो करंट आपका नोड है वो दोनों इक्वल है, इसलिए इसका मतलब है हमारा सर्च की फाउंड हो चुका है, सर्च सक्सेसफुल हुआ है और ये नोड अभी हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो हमें डिलीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है नहीं, क्योंकि ये लीफ नोड है, उसके कोई चाइल्ड नोड नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमें उसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करते टाइम हमें क्या करना है, जो 19 का राइट पॉइंटर होता है वो हमें नल कर देना है, राइट। नल इसका मतलब
19 को कोई राइट चाइल्ड अवेलेबल है नहीं, तो इसका मतलब हमने 22 को डिलीट कर लिया है। अब इस सेकंड केस पे फोकस करते हैं। सेकंड केस क्या है, जो नोड हमें डिलीट करना है वो पेरेंट नोड है पर उसको सिंगल चाइल्ड है, राइट? सिंगल चाइल्ड है तो उस पे चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नोड पेरेंट नोड हमें डिलीट करना है उसको सिंगल चाइल्ड नोड है तो ऑब्वियसली पेरेंट पे चाइल्ड नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको चाइल्ड नोड के बारे में कोई डिसीजन लेना पड़ता है। यही हम सारा केस टू में देखने वाले हैं। अभी ये वाला ट्री जो हमने लास्ट टाइम देखा था वही यहाँ पे हम देखेंगे। अभी देखते हैं सर्च की क्या है। सर्च की है 86। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है रूट नोड से, कंपेयरिंग करना है, सर्च करना है। डिलीट की 56 से कंपेयर किया जो कि इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन रूट नोड है, इसका मतलब है कि वो राइट सब ट्री में अवेलेबल होगा। तो स्टेप डाउन होते हैं राइट सब ट्री को और यहाँ पे 65 से कंपेयर करते हैं। 65 से भी 86 ग्रेटर है तो फिर से हम राइट सब ट्री में मूव हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सर्च की इक्वल है, सर्च की और ये करंट नोड इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सिचुएशन क्या है, डिलीट अ नोड विथ अ सिंगल चाइल्ड, राइट? तो ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है जो कि सिंगल चाइल्ड है। अभी ये नोड हमें डिलीट करना है। अभी अगर ये डिलीट करना है तो इसका मतलब क्या है, जो उसका सिंगल चाइल्ड है दैट मे बी अ लेफ्ट चाइल्ड और दैट मे बी अ राइट चाइल्ड, आपको क्या करना है उसको उसको उसके पेरेंट नोड से रिप्लेस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने 86 को रिमूव कर लिया, कॉपी द चाइल्ड नोड और ये हो गया आपका डिलीट ऑपरेशन। तो यहाँ पे 65 के राइट चाइल्ड में जो 86 का एड्रेस था वो हमने रिप्लेस कर लिया 86 के लेफ्ट चाइल्ड से, मतलब कि 72 से। ये आपको उसके प्रोग्राम में लिखना है। तो ये हो गया डिलीशन ऑफ नोड विथ अ सिंगल चाइल्ड। और अभी हम थर्ड केस देखते हैं कि अगर दोनों चाइल्ड अवेलेबल है तो हमें क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है। लीफ नोड डिलीट करते टाइम हमें कोई भी देखने की जरूरत नहीं थी, पेरेंट नोड के उस पर्टिकुलर पॉइंटर पे हमें नल लिख लेना था तो ये हो गया। अगर सिंगल चाइल्ड नोड है तो वो चाइल्ड नोड हमें उस पेरेंट नोड से जो कि हमें डिलीट करना है उससे रिप्लेस कर लिया, ये भी हो गया। पर अभी दोनों चाइल्ड नोड है तो ऑब्वियसली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोनों चाइल्ड नोड अगर है तो डिलीट करने के बाद क्या चेंजेस होंगे, तो चलो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे टू वेज होते हैं, अगर दोनों चाइल्ड है तो रिप्लेसमेंट के लिए टू वेज होते हैं, टू ऑप्शंस होते हैं। रिप्लेस टू बी डिलीटेड नोड, मतलब कि जो पेरेंट नोड हमें डिलीट करना है, विथ इन ऑर्डर सक्सेसर। और वे नंबर टू होता है रिप्लेस टू बी डिलीटेड नोड, मतलब कि पेरेंट नोड, विथ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, राइट? फर्स्ट वे जो है जहाँ पे हम इन ऑर्डर सक्सेसर से वो रिप्लेस करने वाले हैं, डिलीट जो की नोड हम करने वाले हैं उस नोड को हम इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे। और इस केस में जो की नोड हम डिलीट करने वाले हैं उसको हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला केस जहाँ पे हम इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर सक्सेसर वाला एग्जाम्पल जहाँ पे हम नोड ऐसा डिलीट करने वाले हैं जिसके दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल है। तो चलो लेते हैं वन ऑफ द सर्च की विच इज 25। यहाँ पे 25 और जहाँ जिसको लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। तो ऑब्वियसली हमें जैसे कि पहले दो केसेस में किया था वैसे ही रूट नोड से स्टार्ट करके कंपेयर करके सर्च करना है कि हमारा की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे 56 से स्टार्ट करते हुए 25 जो लेस देन 56 है तो लेफ्ट सबट्री में मूव होके यहाँ पे कंपेयर करने के बाद दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं। रुकने के बाद हमें पता चलता है कि 25 को लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। 25 को लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है तो ये हमारा केस थ्री हो गया। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर सक्सेसर के रिप्लेसमेंट की। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ अ नोड। अभी इसके लिए आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पता है। अगर वो आपको पता नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में भी उसका लिंक दे रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिए और उसके बाद ये वीडियो रेज्यूम कीजिए। अगर आपको पता है इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है तो आप इन ऑर्डर ड्राइवर्स करो और मुझे बताओ कि इन ऑर्डर सक्सेसर इस 25 का क्या है। यस, एब्सोल्युटली राइट, इन ऑर्डर सक्सेसर जो है वो है 36। 36 अब हमारे पास है, जो कि हमने डिसीजन लिया हुआ है ये दोनों चाइल्ड में से हमें किससे रिप्लेस करना है, तो वो हो गया इन ऑर्डर सक्सेसर। तो चलो, कॉपी द कंटेंट ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर टू द टू बी डिलीटेड नोड, मतलब कि 25 यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर लिया 36 से, और ये सारी चीज़ें हमें रिमूव कर लेनी है। तो ये हो गया आपका डिलीशन के बाद आपका ट्री, बाइनरी सर्च ट्री ऐसे दिखेगा। और अभी नेक्स्ट सिचुएशन, अगर दोनों चिल्ड्रन नोड अवेलेबल है तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के बारे में अब हम सोचते हैं। तो चलो यही सेम एग्जांपल, अभी 56 हमने की नोड लिया है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी अवेलेबल है, तो डिलीट की हमें स्टार्ट करनी है सर्च करने के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम अ रूट नोड। तो रूट नोड ये इक्वल हो गया डिलीट की से, तो उसका बाद हमें क्या सर्च करना है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, क्योंकि ये सिचुएशन में हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या है, यस वेरी गुड, इट इज 36। तो 36 से हमें यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है, तो 36 को हम रिप्लेस कर लेंगे 56 से और वो नोट डिलीट कर लेंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली 36 का लेफ्ट चाइल्ड तो 19 था ही, ओनली यहाँ पे 36 का राइट चाइल्ड अपडेट करना है जो कि था हमारा पैरेंट नोड 56 का राइट चाइल्ड। तो इस तरह से हम ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमें इंसर्ट करते टाइम यूज होती है, सर्चिंग के टाइम यूज होती है, डिलीशन के टाइम भी यूज होती है। अभी डिस्प्ले के लिए वैसे देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी का कोई मतलब है नहीं, फिर भी क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलो डिस्प्ले पे अब फोकस करते हैं। डिस्प्ले को ही हम बोलते हैं ट्रैवर्सल ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री। देयर आर टू वेज। तो फर्स्ट वे है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल DFS, और द सेकेंड वे होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल यानी कि BFS। तो फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल पे हम DFS पे फोकस करते हैं। जैसे कि आपको पता है DSF तीन डिफरेंट वेज से ट्रैवर्स होता है, वो होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड ट्रैवर्स होता है, देन इसका लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में बीच में और इन बिटवीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री रूट नोड होता है, और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड पोस्ट होता है, मतलब कि बाद में होता है, पहले लेफ्ट होता है राइट होता है और एट द लास्ट पोस्ट ऑर्डर में एकदम लास्ट में रूट नोड ट्रैवर्स होता है। तो चलो फोकस करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे। क्या था आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, अ रूट नोड देन अ लेफ्ट सब ट्री एंड देन अ राइट सब ट्री, ये होता है आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। रूट नोड से स्टार्ट करना है और रूट नोड ही सबसे पहले ट्रैवर्स करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, मतलब कि डिस्प्ले करना है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। नेक्स्ट उसके लेफ्ट सब ट्री को जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री भी फिर से रूट नोड है तो उसको भी हमने डिस्प्ले कर लिया, उसका लेफ्ट 19 वो भी हमने डिस्प्ले कर लिया, उसका लेफ्ट 8 वो भी हमने डिस्प्ले कर लिया। अभी 8 को लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो राइट सब ट्री को जाएंगे, राइट भी नहीं है तो विल मूव बैक टू अ पैरेंट नोड 19, और उसको राइट है या नहीं चेक करेंगे, वो है इसलिए उसको हमने अभी डिस्प्ले कर लिया। फिर से 22 जो है वो लीफ नोड है, तो फिर से हम प्रीवियस लेवल पे मूव होके 25 को राइट चाइल्ड चेक करेंगे,
वो है, इसलिए वहाँ पे मूव करके उस पर हमने डिलीट डिस्प्ले कर लिया। 36 भी लीफ नोड है, तो फिर से हमने अबो लेवल पे मूव करके राइट चाइल्ड चेक किया, वो है, उसको भी पहले डिस्प्ले कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्री ऑर्डर रिवर्सल करना है। सबसे पहले हमें जो करंट रूट नोड है उसको हमें डिस्प्ले करना है। 65 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड को मूव कर लिया, और वो 72 का रूट नोड है इसलिए 86 को हमने डिस्प्ले कर लिया। 86 को लेफ्ट चाइल्ड है उस पर मूव कर लिया और उसको हमने डिस्प्ले कर लिया। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इस ट्री का क्या है, 56, 25, 19, 8, 22, 36, 65, 86 एंड 72। अभी नेक्स्ट जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, जो कि है एल एन आर, मतलब कि लेफ्ट रूट नोड एंड देन राइट सब ट्री, वो हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका रूट से ट्रैवर्स करना, मैंने शुरू कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो रूट को हाईलाइट किया। अभी रूट को आफ्टर लेफ्ट सब ट्री करना है, तो ये हो गया, उसको लेफ्ट है इसलिए उस पर हमने स्टेप डाउन कर लिया। 25 को लेफ्ट है उस पर भी स्टेप डाउन कर लिया। अभी 8 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो खुद रूट को हमने ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद 8 को राइट चाइल्ड भी नहीं है, स्टेप अप होके 19 को हमने ट्रैवर्स कर लिया। 19 का लेफ्ट हो गया, रूट हो गया। अभी राइट को ट्रैवर्स करना है, और राइट चाइल्ड जो है 22 वो लीफ नोड है इसलिए उसको भी ट्रैवर्स कर लिया। अभी स्टेप अप होके 25 को रूट नोड बना के उसको ट्रैवर्स कर लिया। देन 36, देन 56, उसको भी हमने ट्रैवर्स कर लिया। 65 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए रूट नोड बना के उसको ट्रैवर्स कर लिया। अभी बारी है राइट सब ट्री की। राइट सब ट्री 86 को लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए 72 को पहले मूव हो लेते हैं। 72 लीफ नोड है इसलिए उसको ट्रैवर्स कर लिया, और स्टेप अप होके अभी 86 को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया 8, 19, 22, 25, 36, 56, 65, 72 एंड 86। अभी इसी ट्री को हम पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे बाय फॉलोइंग द सीक्वेंस लाइक लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड देन अ रूट नोड, क्योंकि ये है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो चलो, यही ट्री है हमारे पास, उसको हम पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं। रूट नोड से स्टार्ट कर लिया, उसको लेफ्ट सब ट्री है, 25 को भी लेफ्ट सब ट्री है, 19 को भी लेफ्ट सब ट्री है, 8 अभी 8 को लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी रूट को ट्रैवर्स कर लिया। तो ये हो गया आपका रूट ट्रैवर्स। अभी हम 19 को मूव होके उसको राइट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करेंगे। यस, राइट चाइल्ड है, तो हमने 22 पे अभी मूव हो लिया है। अभी मूव होने के बाद 22 को लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो 22 हमारा क्या है, अभी रूट नोड है, तो उसको हमने प्रोसेस कर लिया। अभी 22 को 19 के आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट सब ट्री भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया। अब किसकी बारी है, अब है खुद रूट नोड की बारी। तो यहाँ पे हमने 19 को रूट नोड करके प्रोसेस कर लिया। 19 का जो है वो है पेरेंट नोड है 25, पर उसको भी राइट चाइल्ड अवेलेबल है। तो 36 को हमने स्टेप डाउन करके 36 को प्रोसेस कर लिया, क्योंकि 36 है हमारा चाइल्ड नोड। अभी 25 की बारी है, अभी 25 को मैंने प्रोसेस कर लिया। फिर से स्टेप अबव होके 56 को रूट नोड बना के उसको राइट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, तो उस राइट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, देखते हैं यहाँ पे अभी क्या करना है। तो लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है, बट 65 को राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड है 86, राइट 86 को स्टेप डाउन करके, अभी 86 को लेफ्ट चाइल्ड है, तो 72 पे जाके 72 जो है वो लीफ नोड है इसलिए उसको प्रोसेस कर लिया। अभी 72 का पेरेंट नोड है 86, 86 को राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमें 86 पेरेंट नोड को प्रोसेस करना है। उसके बाद आप 65 को देख सकते हो, लेफ्ट चाइल्ड था नहीं, राइट चाइल्ड था, राइट सब ट्री प्रोसेस हो गया। तो अभी किसकी बारी है, रूट नोड 65 की,
और एट द एंड 56 का रूट नोड आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो उसका लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स करके हुआ है, राइट सब ट्री भी पूरा ट्रैवर्स करके हुआ है। तो अब किसकी बारी है? रूट नोड की। तो उसको भी हमने यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ट्री ट्रैवर्सल करके मेरे एक वेब सीरीज है यूट्यूब की, प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसपे मैंने अल्गोरिदम भी एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल भी वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, तो वो जरूर देखना, ना भूलिए। यहाँ पे अभी सेकेंड ऑर्डर देखते हैं, जो है ब्रेकफास्ट सर्च ट्रैवर्सल, BFS उसको बोलते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ये होता है, रूट नोड से स्टार्ट करके हम एक एक लेवल को ट्रैवर्स करते जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले है हमारा 56, देन नेक्स्ट लेवल पे है 25 और 65, नेक्स्ट लेवल पे है 19, 36 और 86, और लास्ट लेवल पे है 8, 22 और 72। तो ये हो गया आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस तरह से कोई भी बाइनरी ट्री हम ट्रैवर, तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। मेनली यहाँ पे मैंने तीन एडवांटेजेस दिखाए हुए हैं, जो कि है सबसे पहला, सर्चिंग इज वेरी इफिशियंट, वर्किंग इज ऑल्सो वेरी इफिशियंट, एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री, दे आर ऑल्सो इफिशियंट। सो ये आप मान लो यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एनी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, वो सारे इफ़िशियंटली परफॉर्म होते हैं बाइनरी सर्च ट्री पे। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। इस स्लाइड पे मैं वो इलैबोरेट कर रही हूँ, इफ़िशियंट सर्चिंग माने क्या। आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री, उसको ऑलरेडी सर्च ट्री ही बताया गया है क्योंकि इसमें सर्चिंग इज वेरी इफिशियंट। क्या होता है जब कि हमें कोई, वी हैव ऑल द नोड्स इन BST इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, करेक्ट, जबकि हम ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर में, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, इसलिए सर्चिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज वेरी इफिशियंट एंड फास्टर। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें एंटायर ट्री सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑल एलिमेंट्स कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की, कि लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड की वैल्यू रूट नोड से छोटी होती है और राइट सब ट्री के सारे नोड की वैल्यू रूट नोड से बड़ी होती है। ये प्रॉपर्टी हमें यूज करके कंपेरिजन बहुत ईजी हो जाता है। और हमें क्या करना पड़ता है? हमें रूट नोड से कंपेयर करके करना स्टार्ट करना होता है और हमें डिसीजन लेना होता है कि जो कोई आइटम हमें सर्च करना है वो हमें लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना है या राइट सब ट्री में। तो इससे हम क्या करते हैं, आइदर इन लेफ्ट सब ट्री और इन राइट सब ट्री से हम हाफ ट्री ही वहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं, और हाफ 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 होके हमारा सर्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। अभी नेक्स्ट वन है वर्किंग इज इफिशियंट। अगर हम कंपेयर करते हैं एरे और लिंक लिस्ट से तो बाइनरी सर्च ट्री का वर्किंग भी बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सर्च आइटम, सर्चिंग ऑफ एनी ऑफ द आइटम इन बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो भी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होता है। जो कि कंपेयर किया जाए एरे और लिंक लिस्ट से तो हमें वहाँ पे कंपैरिजन जो करना होता है वो ऑल आइटम्स का कंपैरिजन करना होता है, वो भी सिक्वेंशियली कंपैरिजन करना होता है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ पे बहुत कम होता है। और इफ़िशियंट सर्च एंड डिलीट ऑपरेशन, जैसे कि आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी हम फॉलो करके इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। हमें स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे इन बाइनरी सर्च ट्री में, जिससे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं इन कंपैरिजन विथ लिंक लिस्ट एंड एरेज। अगर आपको लिंक लिस्ट एंड एरे के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो या मैं राइट अप कॉर्नर पे यहाँ पे
शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ। चलो देख लेते हैं अभी एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री। सो वन बाय वन एप्लीकेशन अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, जहां तक कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का सवाल है डेटाबेस एप्लीकेशन में, वो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर से, बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी डिक्शनरी, आप लोगों को डिक्शनरी पता है, तो अगर डिक्शनरी लाइक एनी डेटा स्ट्रक्चर आपको और एनी डेटा आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर से बेहतर डेटा स्ट्रक्चर कोई नहीं मिलेगा। सर्चिंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो इफिशियंटली वर्क करने के लिए हमें स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हम यूज करते हैं। और जहां पे सॉर्टेड लिस्ट एज इनपुट रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे भी बाइनरी सर्च ट्री का ही यूज होता है। और अगर एक्सप्रेशन ट्री हमें इवेल्युएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम बाइनरी ट्री यूज करते हैं। तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कमेंट देना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।